खुदावंद यीशु मसीह के पाक जलाली और कदूस नाम में आप तमाम अजीज़ बहनों और भाइयों को सलाम पेश करता हूँ। एक दफ़ा फिर से मैं आपको मिशन फाइट अगेंस्ट हंगर के ताल्लुक से अपडेट देता चलूँ कि बफजले खुदावंद हम मार्च से जो है इस मिशन का आगाज़ करते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और आज अगस्त में हम एंटर हो चुके हैं। और इन पिछले चंद एक महीनों में हमने कोशिश की वो ख़ानदान जो कोविड 19 या कोरोना वायरस की बदौलत मुतासिर हुए थे, हम उनकी किसी भी तौर पे मदद कर सकें। ख़ास तौर पे हमने कोशिश की ऐसे ख़ानदान जो डेली वेजर्स थे और रोज़मर्रा कमाते और अपने बच्चों को फिर फूड खिला पाते थे, हमने कोशिश की कि जब वो मुतासिर हुए हैं तो उनकी हेल्प की जाए, उनकी मदद की जाए और उनको फूड प्रोवाइड किया जाए। सो मैं इस बात को बताते हुए जो बात अभी मैं करने जा रहा हूँ, मैं खुद भी इस बात को काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि जब इस मिशन को हम ख़त्म करेंगे तो शायद बहुत सारे ऐसे लोग थे जो एक्सपेक्टेड थे कि हम उनकी हेल्प कर पाएँ, लेकिन शायद हम उनको रीच ना कर पाएँ। लेकिन मैं आपको ये बताता चलूँ कि वो सारे लोग जिनसे हमने प्रॉमिस किया था, जिनसे हमने इस बात का वादा किया था कि हम आपकी हेल्प करेंगे, जो चर्चिस थे या जो दूसरे इलाकों में जो लोग मौजूद थे, हमने कोशिश की कि हम जिन जिन लोगों से हमने प्रॉमिस किया था हम उनकी मदद कर पाएँ, उनकी हेल्प कर पाएँ, उनको रीच आउट कर सकें। और सारे दूसरे इलाकों में, सिटीज़ में और देहातों में, विलेजेस में, और ऐसी कम्युनिटी जो कि बहुत ज़्यादा ऑलरेडी सर्वाइव कर रही थी, हम उनकी किसी भी तौर पे हेल्प कर पाएँ। सो पिछले चंद एक महीनों में हम जितनी मदद कर पाए हैं, मैं उसके लिए खुदावंद का शुक्रिया अदा करता हूँ। और उसके बाद अगर मैं किसी का शुक्र अदा करूँ तो वो आप सब हैं जिन्होंने हमारे लिए दुआएँ की हैं। और ख़ास तौर पर मैं उन तमाम लोगों के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ जिन्होंने माली तौर पर हमारी मदद की है, जिन्होंने हम पे ट्रस्ट किया है, अपना पैसा हमें दिया है ताकि हम खुदा के लोगों की मदद कर सकें। वो लोग, वो बच्चे, वो बेटियां, वो बहनें जो सरवाइव कर रही हैं, हम उनकी मदद कर सकें। अगस्त में हम आज साईवाल जा रहे हैं और वहां पे हम गालबन 45 फैमिलीज़ को जो है वो सपोर्ट करेंगे। अगर आप मेरे बिहाइंड देख सकें, मेरे पीछे देख सकें, तो ट्रक में फूड हमने लोड कर लिया है और अभी हम लोग जो हैं वो यहाँ से रवाना होंगे और वहाँ पे जो फैमिलीज़, डिज़र्विंग फैमिलीज़ हैं, हम उनकी जो है वो हेल्प करने जा रहे हैं। सो एक दफ़ा फिर से मैं उन तमाम अपने अजीज़ बहन और भाइयों के लिए खुदावंद का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने हमारी हेल्प की है, दुआएँ की हैं। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे और हमेशा खुदा का हाथ आप पर बड़ा रहे, हमारी ये दिल से दुआ है। और एक और बात मैं आपको बताता चलूँ कि हम इस मिशन को ख़त्म नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोगों की हेल्प नहीं करेंगे या हम लोगों की मदद नहीं करेंगे। हाँ, ऐसे लोग आज हम मिशन फाइट अगेंस्ट हंगर का, शायद अगर मैं गलत ना हूँ तो हम इसे एंड कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोगों की हेल्प नहीं करेंगे। हम वो तमाम तर लोग जो डिज़र्विंग हैं और जिनको हमारी मदद की ज़रूरत होगी, GVM टीम, ग्लोबल विजन मिनिस्ट्रीज़, हमेशा दुआओं के साथ भी और जिस तौर पे भी खुदा आपकी ज़िंदगी में हमें इस्तेमाल करना चाहे, हमेशा खुदा के काम में आपके साथ खड़े होंगे। खुदा सबको बड़ी बरकत दे। थैंक यू। Waiting for the kingdom come. In your presence I am free from the chain that has bound me. In your presence I am calm, waiting for the kingdom.